ये आधा घंटा पहले नीचे होना चाहिए और ऊंचे कर। हाँ ठीक है। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. बिल्कुल lockdown का तीसरा चरण है, वो भी घोषित हो चुका है, 17 मई तक जारी रहेगा। और चूंकि हमारा अजमेर जिला वो रेड जोन में आ रहा है, संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति को देख करके हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। इसलिए जो भी बिना वजह बेवजह बाहर घूम रहा है उसका हम चालान बना रहे हैं। चालान बनाने का जो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उनको परेशान करना है, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे और लॉकडाउन है उसको सफल बनाए। और चालान के दौरान भी कई बार जैसे लगता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम है या किसी वजह से आ रहा है, तो हल्की फुल्की सजा भी हम दे रहे हैं कि ताकि उसको तुरंत उसी वक्त मौके पर रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसी दौरान हमारे कुछ कर्मचारी है, वो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देना धूप में, उठक बैठक लगाना, ऐसे कुछ कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज करना चाहते हैं कि आप अंदर रहिए, आप बिना वजह बाहर नहीं घूमिए। और जो महामारी है इसका बचाव है घर में रहना, सुरक्षित रहना, और इसी चीज़ की पालना के लिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा किसी को उद्देश्य परेशान करना नहीं है। 17 तारीख तक मैडम लॉकडाउन रहने वाला, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को, अपने घरों में बने रहें, और अगर बाहर अति आवश्यक कार्य के लिए आप आते हैं तो मुंह पे मास्क लगा के रखें और अपने आप को सैनिटाइज करें। और जहाँ पर भी आप चाहे सब्जी खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप सामान खरीदने जा रहे हैं, चाहे दवाई खरीदने जा रहे हैं, वहाँ आप पूर्णतया डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का, एक आपस में खड़े न रहे साथ में, एक एक मीटर की दूरी बनाए रखें। जितना हम अपने आप को इस प्रॉब्लम में, महामारी में अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मनोज कुमार का मारो यार, समझा समझा के धक्के तुमको मारते नहीं हो, यहाँ पास में तो घर से मारो, कब लेके आ जाओ कभी।